नमस्कार दोस्तों, एमजे टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुष्टि। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नगर निगम का चुनाव करीब है। 4 मई को इसका मतदान भी होना है। ऐसे में सारे नेता अपनी अपनी तैयारियों में लग चुके हैं और काफी नेता अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ है वार्ड संख्या 42 गंगानगर के प्रशांत कुमार कुशवाहा जी। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं कि वो किस तरह से अपनी तैयारी को पूरा कर चुके हैं और उनके क्या मुद्दे हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले प्रशांत जी, आपका हमारे एमपी टॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि आप अपने वार्ड में किस तरह की समस्याएं देखते हैं। जल्दी में अपने वार्ड में पानी की समस्या, सीवर लाइन चौक होने की समस्या, रोड के बारे में समस्या और लाइट के खंभे की समस्या, जो है बेसिक समस्या ये जो है गंगानगर वार्ड 42 में, ये मेन समस्याएं हैं। अच्छा, तो आप हमें ये बताइए कि आपने ये राजनीति में आने का कैसे मन बनाया? राजनीति में मेरा आने का कोई ऐसा कोई मोटिव था नहीं, लेकिन इस तरह की समस्याओं को मैंने देखा। यहाँ के जो हमारे और भी जो जनप्रतिनिधि थे उनसे जब मैंने बातें की तो उन लोग का ये होता है कि भैया मेरा बजट नहीं आ रहा है, या कुछ ऐसे भी वो कमेंट्स करते हैं कि क्या आपने हमको वोट किया है कि हम आपके लिए यह करें। तो ये सारी भावनाएं निकल के आई और मैं शुरू से ही लोगों के लिए जो है सहयोग मेरा प्रदान करने से रहा है। मैं ये नहीं सोचा कि कभी राजनीति में आके कभी उनको सहयोग करूँ, लेकिन आमजन ने जो मुझसे निवेदन किया कि अगर आप आएंगे तो कुछ अलग से करेंगे, कुछ आपकी सोच अच्छी है, थोड़ा सा नई पीढ़ी के हिसाब से आप सोचेंगे, टेक्निकल माइंड में है तो चीज़ों को बदलेंगे। तो आपने क्या क्या सोचा? अगर वार्ड 42 जनता आपको सबसे चुन लेती है तो आप उनके लिए सबसे पहला कार्य क्या करेंगे? देखिए, अब सबसे पहले कार्य करने के लिए तो मेरा प्रथम जो है, जिस तरह मैंने ये देखा कि मैं अपने पहले वार्ड में सारी चीज़ों को घूमते हुए देखूंगा कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसमें किस चीज़ की है। ठीक है, अब क्योंकि मेरा वार्ड काफी दूर तक लगता है, अब गंगानगर भी पड़ता है, ओम नगर है, ऊंचा गली बेली है, बेली गांव भी है। अब इसमें ये देखना है कि सबसे पहले कि किस समस्या को पहले देखा जाए कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जाए। पहली समस्या तो आपके क्षेत्र में गंदगी और आपकी रोड काफी ज्यादा खराब है, हम जो गाय तो दिखा है वो। जी जी, तो क्या आप गंदगी में और सड़क पे काम करेंगे? अगर जी जी, ये तो हमारा मोटिव है ही इसमें। मैंने जो है अपने जो मैंने कंप्लेंट या जो पोस्टर वगैरह छपाया है, मैंने अपना घोषणा पत्र भी दिया है, उसमें मैंने इस चीज़ को मेंशन किया है। मेरे 10 पॉइंट्स थे, इसमें सारी चीज़ को मेंशन किया गया। तो आपके घोषणा पत्र में क्या क्या मुद्दे हैं? मेरे घोषणा पत्र में मैम लाइट से अकॉर्डिंग पानी, सीवर और जन प्रतिनिधियों से जो है, जब कोई पार्षद चुन लिया जाता है तो पब्लिक से वो संपर्क नहीं बनाता, पब्लिक उनसे मिलने के लिए परेशान रहती है। जगह जगह पे जो है ये होता है कि हम अभी अभी लेंगे, आपको अभी मिलेंगे, टाइम दिया जाता है, लोगों को गुमराह किया जाता है। तो ये सारी चीज़ों को मैंने किया है। सबसे मेरा मेन उस पर अपने घोषणा पत्र में इस टॉपिक पे है कि मैं 4-5 गलियों में या कुछ सिलेक्टेड मतलब इलाकों को मोहल्ले को सिलेक्टेड करके वहाँ एक जनप्रतिनिधि तैयार करूँगा, ताकि अगर वहाँ के जो आम जन हैं अगर उनसे डायरेक्ट नहीं संपर्क कर पाए तो प्रथम सबसे पहले फर्स्ट वो उनसे संपर्क करेंगे, उनसे संपर्क करेंगे। उनका काम है कि वो अपने एरिए अपने जो है गलियों का जो भी अपडेट है वो पहले हमको दें तो उस पर हम काम कर सके। और जो है हफ्ते में या 15 दिन में 1 महीने में जैसी भी सुविधा पड़ेगी सारे प्रतिनिधियों के साथ बैठक, उसमें इस एक बैठक में एक मीटिंग में ऐसा हो जाएगा कि मुझे पूरे वार्ड वेब में, चाहे बेली होगा, चाहे जुआगढ़ी होगा, चाहे ओम नगर हो, चाहे गंगानगर, सबकी जो अपडेट पता चल जाएगी। तो जैसे कि आपका इतना सारा वार्ड है, आपका वार्ड काफी बड़ा है, तो आपकी जिम्मेदारी काफी बढ़ जाएगी, तो कैसे आप मैनेज करेंगे इसको? बस यही जनप्रतिनिधि हो रहा, मैं हर जो 3-4 गलियों में जिनकी नियुक्ति करूंगा ये पार्षद प्रतिनिधि कहलाएंगे। इनका काम ये होगा, ये ऐसा पार्षद का काम करेंगे, जन समस्याओं को सुनना, उनकी बातों को रखना, उनके जो भी एप्लीकेशन वगैरह है उनको सब ले आके मेरे पास सबमिट करना। अच्छा, तो जैसे कि और भी पार्षद प्रत्याशी हैं आपके वार्ड से होंगे, तो ऐसे में आप अपने आप को कितना मजबूत समझते हैं? मजबूती में देखिए, मैं जो ये अगर जो चुनाव का अगर ये देखा जाए तो सब अपने आप में जो है क्षेत्र में मजबूती दिखाते हैं। अभी यहाँ गंगानगर में अगर देखा जाए, गंगानगर का लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा हमको मिला, ऊंचा गली भी मिला और बेली भी मिली, हर जगह से मुझे बराबर लोगों का जो है सहयोग मिल रहा है। अब देखना ये है कि चुनाव के नतीजे क्या आते हैं। अभी तक में तो सबका सब समाज के लोगों का जो है, चाहे वो मुस्लिम समाज के होंगे, चाहे वो हिंदू समाज के होंगे, या हिंदू समाज में भी तरह तरह की जो है जातियाँ होती हैं, तो सबका सहयोग मिल रहा है, सबका प्रेम मिल रहा है। अच्छा, तो आप अपना किसी पार्षद को अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं? कोई भी पार्षद प्रत्याशी होगा आपके वार्ड में,
जी प्रत्याशी तो मैं अपने आप को तो जितने हमारे यहाँ वार्ड में 9 प्रत्याशी हैं, 9 कैंडिडेट, मैं सबको मानता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं किसी को ये नहीं समझता क्योंकि अगर कोई भी अगर प्रत्याशी अगर नॉमिनेशन फाइल किया है या वार्ड में मेहनत करा है, चुनाव के लिए काफी मेहनत करा है, तो कुछ ना कुछ उसके साथ ताकतें होंगी। जी बिल्कुल, तभी उन लोगों ने ऐसा सोचा। क्या उन लोगों के पास पार्टी की भी ताकत होगी? आप तो निर्दलीय लड़ रहे हैं। जी तो आप निर्दल क्यों लड़ रहे हैं? आप निर्दलीय लड़ने का मेरा मेन मोटिव ये है कि एक्चुअली मुझे सभी तरह के, मैंने बताया ना कि मुझे जो है अपने समाज के लोग हों, चाहे हिंदू समुदाय के हों, चाहे मुस्लिम समुदाय के हों, चाहे अन्य तरह के हों, जातियों में सबका प्रेम मिल रहा है। अब पार्टियों में जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में मैंने देखी है कि पार्टियों में लोग थोड़ा सा जाति भावना ला देते हैं। अच्छा, मैं जाति भावनाओं से परे सोचना चाहूँ तभी मैं लेकिन पार्टी, अगर हम किसी पार्टी से जुड़ जाते हैं तो हमारी मजबूती बढ़ जाती है, आपको ये नहीं लगता? जी लगता है, लेकिन सभी जो है पार्टियां भी अपने अपने कैंडिडेटों को देखती हैं कि ये मजबूती सुधरेंगे, ये मजबूती सुधरेंगे। कुछ पार्टियां अपने जो है कार्यकर्ताओं को जो उसमें बहुत दिनों से जुड़े रहते हैं उनके लिए होता है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने उतना पार्टी किसी भी पार्टी में टाइम नहीं दे पाया, केवल आम जनता के बीच में रहा और आम जनता के जो है डिमांड पे ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, तो जैसे ही आप बता रहे हैं बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन के पास वक्त बहुत कम होता है, तो ऐसे में आप अपना वार्ड भी मैनेज करेंगे, अपना काम भी मैनेज करेंगे, तो कैसे होगा? मेरा बिजनेस जो मैम ऐसा है कि जो क्षेत्रीय बिजनेस है, जिसकी वजह से मैं पूरे क्षेत्र में ही रहता हूँ, तो इसमें मैं जो है अगर मैं पार्षद अगर चुन लिया जाता हूँ तो मुझे पब्लिक से भी मिलने के लिए बहुत ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता है। मेरा कहीं बिजनेस में सही है, जहाँ जिस एरिया से मैं पार्षद चुनाव लड़ रहा हूँ मेरा बिजनेस भी यही चलता है। अच्छा, तो मैं दिन भर इसी क्षेत्र में रहता हूँ, इसी पब्लिक से भी मिलता रहता हूँ, समस्या को देखता रहता हूँ, तो उनको असुविधा नहीं होगी। अच्छा, तो आप वर्तमान पार्षद के कार्य में कितना खुश है, कितना संतुष्ट है? अब वर्तमान पार्षद जी से तो अगर पब्लिक आम जनता की बात की जाए तो अब आम जनता ही बता सकती है। मैं इसमें क्योंकि अब मैं तो स्वयं अगर चुनाव में आ गया हूँ, कैंडिडेट हो गया हूँ, तो मैं किसी के अगेंस्ट में कुछ कोई बातें नहीं कर सकता हूँ। मतलब आप कहीं ना कहीं डर रहे हैं चीज़ों से? नहीं, चीज़ों से मैं नहीं डरता हूँ, बोलने में डरता नहीं हूँ, लेकिन मैम जो है कि इसमें इलेक्शन का दौर है, इसमें बोलना थोड़ा सा सही नहीं पड़ता है। अगर मैं आम जनता में होता तो बोल सकता था। अच्छा, ये बताइए कि आप वार्ड 42 में जनता के बीच आ रहे हैं, तो आप किस तरह की समाज सेवाएं करते हैं अपनी वार्ड की जनता के लिए? अभी तक तो मैंने जिस तरह के जैसे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी को अगर किसी डिपार्टमेंट में अगर जाना है, कोई काम कराना है, वहाँ सीधा हो रही है, उनको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो उनको बताना। अगर कहीं जो है कोई अगर रोड का काम चल रहा है, लोगों को अगर लग रहा है कि जो है यहाँ पे लोगों का कंट्रीब्यूशन नहीं बन पा रहा है, लोग एक साथ यूनिटी नहीं बना पा रहे हैं, तो वहाँ हमको बुलाया जाता है क्योंकि मेरी सबसे अच्छी यूनिटी है, सबसे मेरा अच्छा व्यवहार है, तो उस चीज़ को मैं जो यूनिटी बना के कार्य कर लेता हूँ। उसके साथ साथ अगर जो है किसी को अगर लाइट से संबंधित कोई दिक्कतें होती हैं या होता, क्योंकि आज के समय में क्या है, सभी को सभी चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो अब शिक्षित होने की वजह से और सभी डिपार्टमेंट में आने जाने की वजह से सब चीज़ के तौर से नॉलेज है लोगों के साथ, मेरा अच्छी जो है कॉम्बिनेशन है, तो उनका जब कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, कोई भी अगर जनता है, अगर उनको किसी भी कार्य करवाने में असुविधा आ रही है, तो वो सब सोचते हैं कि किसी ना किसी माध्यम से चले जाए जिससे हमारा काम इजीली ढंग से हो जाए, मेरी बात को रखा जाए, सुना जाए। तो जनता आपको ही क्यों चुने, और भी पार्षद है तो उनको क्यों नहीं, आप अपने अंदर क्या ऐसा देखते हैं कि हाँ जनता आपको ही चुने? मैं अपने अंदर ऐसा देखता हूँ कि मैं बाकी सबसे अलग सोचता हूँ, मैंने लगता है कि जो है मेरे लिए सब बराबर है, मेरे जितना भी मेरा वार्ड लगता है, जितने क्षेत्रीय नागरिक है, मेरे लिए सब बराबर है, मुझे सबके लिए कार्य करना है, किसी के लिए जो ऐसा नहीं है कि भैया आपने जो है ये क्षेत्र मेरे में नहीं आता है। जैसे मैं गंगानगर को प्रॉपर रखने वाला हूँ, ऊंचा गली और बेली मेरे जो है व्यक्तिगत मोहल्ले से गांव का रहना है, वहाँ से थोड़ा सा दूर है, तो लोगों के मन में ये आता है कि अगर गंगानगर का जो पार्षद चुन लिया जाएगा तो ऊंचा गली या बेली में काम नहीं करेगा। बेली वाले सोचते हैं अगर जो है अगर गंगानगर वाले सोचते हैं अगर ऊंचा गली या बेली का चुन लिया जाएगा गंगानगर में काम नहीं करेगा, तो ये भावनाओं को दूर करना है मुझे, मुझे सबके लिए कार्य करना है, सबके लिए इक्वल रहना है। अच्छा, आप ये बताइए कि आपको ये लगता है कि अगर कोई पार्षद या राजनीति में आ रहा है तो उसका लिटरेट होना मस्ट है, क्योंकि ऐसे राजनीति में कोई भी लोग आ जाते हैं, कोई 10th पास है 12th पास है, तो आपको क्या लगता है कि हाँ
एक अच्छी एजुकेशन होना चाहिए इसके लिए। जी जी, मुझे लगता है कि जो न्यू जनरेशन आ रही है, जो पढ़ी लिखी जनरेशन आ रही है, जिनको चीजों की ज्यादा नॉलेज है, जो चीजों को डेवलप कर सकते हैं, जिनका जो है जो टेक्निकल सोचते हैं कि कैसे इसे किया जाए, मेरे समझ में तो पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स को पढ़े लिखों को ही चलाना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा अच्छे से आया है या अनुभवी होना चाहिए। दो तरह के लोगों में ये भी नहीं कह सकता कि सब पढ़े लिखे ही चलाएं, कुछ अनुभव होता है, अनुभवी कभी कभी ऐसा कार्य कर जाते हैं जो पढ़े लिखे नहीं कर सकते हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है। और आज के दौर में जो जिस हिसाब से लोग एडवांस होते जा रहे हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि हमेशा जो कोई भी पार्षद हो या कोई भी अगर नेता हो तो एडवांस सोचने वाला होना चाहिए, लोगों के लिए जो है ऐसा सोचना चाहिए कि जिसको सब सोचते हैं कि पानी की समस्या है या नाली की समस्या है, तो अब नाली की समस्या कंप्लीट बना दी जाए। मैंने जैसे मैं क्वालिफिकेशन किया, मैंने जो मेरे पास क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग की है, तो मैंने लोगों को देखा है रोड बनाते हैं, वाटर लेवल का कोई भी इशू नहीं है, बारिश में आया पानी किधर बह के जाएगा, किसके घर में जाएगा, कोई मतलब नहीं होता है, बस रोड बना दी जाए। तो पब्लिक भी उनको लगता है चलिए ना से होना बेहतर है, ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है ना से होना बेहतर नहीं, बहुत बेहतर होना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो प्रशांत जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आपने आप अपने वार्ड की जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं अपनी जनता से, अपने वार्ड की जनता से सबसे अपील करना चाहूंगा, मैं पूरे बल्कि प्रयागराज से भी अपील करना चाहूंगा कि सब अपने अपने वार्ड में ऐसे जो है अपने ऐसे पार्षद को चुने या ऐसे महापौर को चुने जिनको लगता है कि जो उनके लिए कारगर साबित हो, कार्य कर सके, उनकी समस्याओं को सुन सके। अब इस तरह के ना हो कि हमने उनको चुन लिया तो अब उनको हमको ढूंढना पड़ रहा है कि वो कहाँ पे हैं, कैसे हैं, किस तरह हमको हम फोन कर रहे हैं तो हमारे उसको हमारे फोन पे इग्नोर कर रहे हैं, हमसे मिलना चाह रहे हैं तो हमको उनसे नहीं मिलना चाह रहे हैं, तो ऐसे ही तो नहीं, मतलब आप अपने जो है बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए वोट करिए, और जो सक्षम हो, जो शिक्षित हो, जो समझदार हो, ऐसे पार्षद प्रतिनिधि का चयन करिए। तो प्रशांत जी, आप हमारे अमृत टॉक शो पे अपना समय दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारे साथ वार्ड संख्या 42 गंगानगर से प्रशांत कुमार कुशवाहा जी थे, उनसे हमने चुनाव के मुद्दे पे बातचीत की। उनका यही कहना है, अगर वो सभा चुने जाते हैं तो वो अपने मोहल्ले में जिस तरह की समस्या है वो उस मुद्दे पे काम करेंगे, जैसे कि यहाँ पे रोड काफी खराब है, यहाँ पे गंदगी की समस्या काफी ज्यादा है, और इन्होंने ये भी कहा है कि जनता उन्हीं को चुने जो पार्षद के लिए ठीक है, तो जनता उसी को चुने। तो इनसे बातचीत करके हमें काफी अच्छा लगा, ऐसी वीडियो के साथ बने रहने के लिए हमारे एंटी टॉक शो फॉलो करते रहिए। तब तक के लिए अरुणा, मैं सुधीर की वीडियो में देखते रहूंगा।